को समराइज किया है और आपके लिए खास फोकस में कुछ स्टॉक्स लेकर आए हैं। लाइमलाइट में कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की बड़ी पिक्स हैं बजट के लिए? वरुण बताइए, किस तरह के आइडिया, सिर्फ दिग्गज हैं या फिर मिड कैप्स में भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है? देखिए, करीब 4 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट मैंने पढ़ी और इसमें दिग्गज और मिड कैप दोनों ही स्टॉक्स हैं, लेकिन जो कॉमन थीम निकल के आ रही है वो है कंजम्पशन, दूसरी है इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन की थीम। चारों में से पहले एंटिक की रिपोर्ट आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि इस बार का जो ओवरऑल बजट होगा वो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, एग्रोकेमिकल, बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट, ये जो थीम्स है इस पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले एग्री में इन्होंने धानु का एग्रीटेक को चुना है। इसके अलावा जो कंजम्पशन में है, खासकर FMCG में HUL और मेरिको को ये पसंद कर रहे हैं, और बजाज इलेक्ट्रिकल ये भी एक स्टॉक है जिसपे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, LNT, कजारिया सिरामिक्स, KNR कंस्ट्रक्शन, ये इनके टॉप पिक्स है, यहाँ खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि आप चाहिए तो ऑटो में भी बेट लगा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर कंजम्पशन को सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में भी रिवाइवल आएगा। तो M&M और TVS मोटर्स, ये दो स्टॉक्स है जिसपे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन भी है जहाँ आप खरीदारी करके चाहिए तो चल सकते हैं। अगली रिपोर्ट है चोला सिक्योरिटीज की। इनका कहना है कि ओवरऑल तो कंजम्पशन पे फोकस होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन पे भी फोकस होने वाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर है जो जॉब क्रिएशन करता है। इसके लिए ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, अल्ट्राटेक और LNT तो कॉमन नाम है, इसके अलावा KEC इंटरनेशनल, हाइडलबर्ग सीमेंट और PNC इंफ्राटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में ये इनकी टॉप पिक्स है। वहीं कंजम्पशन में HUL और डाबर पे बेट कर रहे हैं। इसके अलावा दरअसल ये बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर पे भी बेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि RBL बैंक, SBI लाइफ और ICICI लोम्बार्ड, इन स्टॉक में भी चाहिए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको सब जो टारगेट्स है वो अपने स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तीसरी रिपोर्ट एम्बिट की है। इनका कहना है कि टैक्स पेयर को इस बार काफ़ी बड़ी छूट दी जा सकती है, साथ ही जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए कोई बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। इसके चलते चाहिए तो आप ट्रेंट और PVR जैसे जो काउंटर्स है उनमें खरीदारी करके चले, क्योंकि ये स्मॉल टिकट अर्बन कंजम्पशन के प्लेस है, और अगर आपको कंजम्पशन थीम में प्ले करनी है तो ये एक थीम है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगी। इसके लिए इन स्टॉक्स में खरीदारी करें। वहीं एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, मिड कैप प्राइवेट रिकवरी के लिए अगर आपको प्ले करना है तो इन दो स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सबसे आखिरी रिपोर्ट मे बैंक की है। इनका कहना है कि सरकार के पास लिमिटेड ऑप्शंस है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। इसके लिए इन्होंने चेरी पिकिंग की है और जो इनके फेवरेट सेक्टर्स है उनमें ये ज़्यादातर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी जा रही है उसमें SCL टेक, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, M&M, टेक महिंद्रा, दालमिया भारत, महानगर गैस और स्टार सीमेंट जैसे काउंटर शामिल है। तो अगर इन चारों रिपोर्ट को आप कंसोलिडेट करके देखें तो 4 जो स्टॉक्स है जो सबके कॉमन पिक्स है उसमें एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा है LNT, तीसरा है HUL और चौथा है M&M। तो ये 4 स्टॉक्स है जो कॉमन पिक है जिस पे आप बेट करके पूरी तरह से चल सकते हैं, क्योंकि सबको ये पसंद है। और इन चारों स्टॉक्स में हमने देखा है लगातार एक्शन।